अब तो टाउनशिप होने लगे हैं, हर कस्बा शहर हो रहा है, मगर मैं आज भी उन छोटे छोटे जिलों की बात करता हूँ जिनसे गांव लगे हुए हैं। ऐसे वातावरण में कई दफ़ा सड़क पर सड़कें बेहिसाब खराब हुआ करती हैं। मैं बड़े शहरों की बात नहीं करता, क्योंकि जिंदगी का मज़ा आपको देखना है तो अपने उस मौलिकता में जाइएगा। एक छोटे से कस्बे की बात कर रहा हूँ, शहर की बात कर रहा हूँ, बुंदेलखंड की बात कर रहा हूँ। मैं बुंदेली में ही सुनाऊंगा, इस कार्यक्रम का मज़ा ही उसमें है, क्योंकि आपको आनंद मिलेगा बहुत अच्छा। एक औरत रिक्शे पे बैठ के आ रही थी और अचानक रिक्शे वाले ने पता नहीं कैसा चलाया तो उसके अंदाज में चक्का गड्ढे में गया और वो रिक्शा पलट गया और वो औरत गिर गई, रोने लगी, चिल्लाने लगी। तो ये एक रिक्शा एक्सीडेंट पेश कर रहा हूँ। जैसे ही वो चिल्लाने लगी, रास्ते चलते लोग रुक गए, अरे मर गए भैया जी, कैसा चला है भैया, तेरा मार डाल हो रही है, प्राण ले लगे भैया, अरे मोरी माता, काका डाल हो रही भैया जी, अरे भाई तू थोड़ी धीरे डालो, कैसे चिल्ला रहे काका, तू हो दे रखा थोड़ी धीरे डालो, थोड़ी देर रखो, कैसे धीरे धरो भैया, सब रे टमाटर फूट गए जी, वो टमाटर बहुत मिल जाए, ये तुम तो अपनो ख्याल रखो, तो खून ने खाला तुम्हारा, थोड़ी धीरे डालो बेटा, आजे आजे। इतने में दूसरा रिक्शा बुलवाया, उस महिला को उस रिक्शे में बैठा ला और उसके गांव का पता बता के, उसके मतलब घर का, बोले भैया उसके मोहल्ले में छोड़ दे, ले आके हैं सीधे ले आ, ले आ, ले आ, ले आ। रोते रोते आ रही है, अचानक ये टेंडेंसी होती है ऐसी कंडीशन में कोई महिला अपने अपनी कॉलोनी में या अपने कस्बे में प्रवेश करती है, सारी औरतें इकट्ठी हो जाती है और रोते ही रोते आई, अरे मर गए भाई, पांच छह सात औरतें आ गई, एकदम सी लपक के, राम रे कल के भाई के कितनी चमक चोट लग गया, तो भले भले खून निकाल लो, हम तो देख नहीं बन, नहीं सर हाँ मैं तो देख बहुत चल रहा है, खूब लगो है एकदम, यहाँ से घटना फट गए एकदम, राम जी बहुत डर लगा, हम भी तो बहुत घबराहट होते हैं, कबू चोट लग रहा, हम डर नहीं, हमने जैसे देखे भाई हम होते हमने मना करी थी इनके कि घोड़ गाड़ी मत बैठ, पैदल नहीं रख सकता, बैठो ले, वो लग गई थे चिल्ला रही समझ में नहीं आता, तो मैं बिल्कुल कैसे लग गई, चल याद रही होती ऐसे ऐसो रक्षा भिड़ गई पुलिया से और पुलिया टूट के भिड़ गई बिजली के खम्बा से, बिजली को खम्बा टेढ़ो हो गौरी, तुम चिंता न करो, हमारे आदमी पावर हाउस में है, मैं खम्बा सीधा कर ले, ध्यान धरो समझी, कितनी खून निकली है भाई। इतने में कुछ बहुए टाइप की थी वो आई, सही में कितनी चमकी लग गई ना, कितना खून निकल लो, लगाई गई तो खून ना निकले, ऐसे देखते देखते बूढ़ी माता आई, आ गई, हमने तो माना कर दी थी ना बैठो ना बैठो, वो दम जा घोड़ा गाड़ी में बैठ के, हाँ हमारे प्यार निकलते नहीं, हमारे संग भाव था, एक मेरी मौसी आए रक्षा में और रक्षा यहाँ से हैंडल घूम होटल में घुस गया,
ओके गरम गरम आलू अंडिया से लद लद ऊपर लगाई गई खूब जम के लगी ये खूब खून निकलना हुआ काका था काका है ये मारी। कुछ कॉलेज की लड़कियां भी वहीं खड़ी थी उनकी तरफ देख के वो बुढ़िया चिल्लाए उसको ना बर्नौल लगा दे कुछ ठीक हो जाएगा। ये फिर क्या लगा है कितना खून निकल रहा है उसका तो एक काम करती टूथपेस्ट लगा दे हम कितना चलेगा करें टूथपेस्ट लगा दे तो कुछ शर्म नहीं आती नहीं तू इतने में देखा एक लड़की ने तुम्हें अरे जीजा जी आ रहे हैं क्या हो गया नहीं वो मैं गई थी ना वो रिक्शे से तो गिरी ना ये इतना जम के खून लगा बहुत ज्यादा अच्छा कैसे लग गया गिरी कैसे जैसे एक बार अपन लोग साइकिल से गिरे थे